गोरखपुर खाद कारखाने में लगातार मशीनों का आना शुरू हो गया है। अभी 3 दिन पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड की मशीन गुजरात से आई है। उसी क्रम में शनिवार की देर रात अमोनिया बास्केट मशीन फर्टिलाइजर में पहुंची, जो गुजरात से जनवरी माह 20 में चली थी और यह मशीन बाई रोड कानपुर लखनऊ होते हुए सहजनवा पहुंची और शाम 8 बजे तक बरगदवा चौराहे पर पहुंची। मशीन की लंबाई 120 फीट होने के कारण बरगदवा चौराहे से फर्टिलाइजर रोड पर टर्न करने पर ड्राइवर को बड़ी मशक्कत करने के बाद ट्रेलर को फर्टिलाइजर रोड पर मोड़ा जा सका। ट्रेलर NTC के साइड इंचार्ज रमेश कुमार ने बताया कि 150 पहियों वाला ट्रेलर एक दिन में 30 से 40 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है और उसी रफ्तार में चली मशीन 4 महीने में गोरखपुर पहुंची है। मशीन आने के बाद खाद कारखाने में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद जग गई है। खाद कारखाना शुरू होने से जहां किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध हो जाएगा, वहीं युवाओं को रोज़गार का अवसर भी प्राप्त होगा।